राजेंद्र गुड़ा क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। विधानसभा में पता चलेगा आपको एक सच्चाई। अब हाउस चल रहा है, हाउस चल रहा है तो उसमें सारी बातें हाउस के अंदर ही होंगी। वो तो हाउस में बोलूंगा सारी बात। अच्छा हाउस चल रहा है तो हाउस में बता दो। मुख्यमंत्री या सरकार पे खतरा मंडरा जाएगा। अब देखिए अभी हमारा हाउस चल रहा है और मुझे हाउस की वजह से ही मुझे बर्खास्त किया है, तो इसका जवाब मुझे हाउस में देना चाहता हूँ। आपकी सदस्यता पर भी खतरा है। जो भी खतरा है, मेरे मुकदमे भी लगे हैं उन पे, मुझे जेल में भी डालने का खतरा है, वो सारा काम है, लेकिन वो तो चलता रहेगा। इस सिस्टम का पार्ट है जो स्ट्रगल मैंने फैसला सरेंडर, मुझे रंधावा जी ने कहा कि मैं माफ़ी मांग लूँ और माफ़ी मांगने के बाद वो मुझे माफ़ कर देंगे, तो मैंने माफ़ी मांगने का निर्णय नहीं किया, मैंने संघर्ष करने का फैसला ले लिया। मैं हमारी बहन बेटियों के लिए जिन्होंने मुझे चुनाव जिता के और एक उम्मीद के साथ विधानसभा के अंदर भेजा था कि हम उनकी उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अब वो हम वो नहीं कर पाए और हम बंद गए थे, हमारे मुंह में ताले लगा दिए गए थे, मैं आज़ाद हो गया। माफी नहीं मांगे तो कार्रवाई भी हो सकती है। अब वो उन्होंने मुझे माफी के लिए कहा है, लेकिन मैंने जो रास्ता लिया वो संघर्ष का लिया, माफी मांगने का नहीं, सरेंडर करने का। राजशेखा का वंशज हूँ, रणावता में एक महिला के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी, माफी किस चीज़ के? रंधावा को मेरी हिस्ट्री देखनी चाहिए। राजशेखा का वंशज हूँ रंधावा जी। बहुत बड़ी बात सुनी आपने, मंत्री थे लेकिन मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, संघर्ष का दामन थामा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा माफी मांग लो लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा का ये बयान कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को पहले माफी मंगवाने से पहले मेरी हिस्ट्री खंगालनी चाहिए।